Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ पोल्ट्री यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अबूबकर नईम। सो आज हम पढ़ेंगे फार्म मैनेजमेंट, मींस के हमने फार्म की किन किन मैनेजमेंट को देखना होता है और हमने उनके चीज़ों को जो है वो मैनेज करना होता है। अब सबसे पहले जब एक फ्लॉक हमारा निकल गया पिछला, ठीक है, नए फ्लॉक आने के लिए पहले शेड की जो है वो वॉशिंग करते हैं, अच्छे से कम्प्लीट वॉशिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ ये स्टेप मैं बताऊँगा, इनकी डिटेल्स में आगे फर्दर हमारे लेक्चर भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें वॉशिंग का मैं डिटेल्स इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने वॉशिंग करनी है, मैनेजमेंट का पार्ट। वॉशिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा प्री ब्रूडिंग का होगा, जो हमने वॉशिंग के दौरान हमने सारे इक्विपमेंट्स निकाले होंगे सारे। अब हमारे पास बर्ड आना है तो हमने उसके लिए प्री ब्रूडिंग क्या किया। प्री ब्रूडिंग में क्या होता है कि हमने जो सारे इक्विपमेंट सब कुछ सेट, पूरा इन्वायरमेंट बनाया होना है नए आने वाले बर्ड के लिए, हमने उसके जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होना है वो हमने अटेन किया हुआ है ऑलरेडी शेड के अंदर, ठीक है। तो ये प्री ब्रूडिंग होगी, ये मैनेजमेंट है सारी। उसके बाद फीड और फीडर्स की मैनेजमेंट है, हमने जो है फीडर यूज किस तरह करने हैं, फीडर हमने अच्छे लगाने हैं, फीड हमने किस तरह चलानी है, वो सारी मैनेजमेंट है, ठीक है। और मतलब स्टार्टर है, ग्रोअर है, फिनिशर है, वो सारी। उसके बाद वाटर ड्रिंकर लाइन्स है, वाटर ड्रिंकर लाइन्स को हमने साफ करके जो है वो सेट किया होना है, उसमें वाटर लाइन आपका प्रेशर सही आना चाहिए, ठीक है। वाटर ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या आपकी सारी मैनेजमेंटल चीज़ें होती हैं जो आपने ख्याल करना होता है। अच्छा, वेंटिलेशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इन पे आपने ख्याल रखना होता है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो इसी का होता है, और टेम्परेचर आपका अपनी होने देना, आपने जो रिक्वायर्ड है आपने हर तरह की अपनी कोशिश करनी है, ठीक है। तो उस वही आपने कोशिश करनी है कि उसके प्रोवाइड करें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। उसके बाद हमने लाइटिंग जो है, लाइटिंग जो है मतलब कि जितनी होगी वो सारी हमने करनी है, जो सारी अरेंजमेंट्स हैं, लाइट लक्स इंटेंसिटी जो है, लाइट इंटेंसिटी कितनी रिक्वायर्ड है उतनी हमें देनी है। और इसी तरह से जो है कंट्रोल पैनल पे सारी कंट्रोल करना है, इसकी जो एनवायरनमेंट कंट्रोलर होता है तो उसका कंट्रोल पैनल सारा कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारी जो है सिस्टम को हमने कंट्रोल करना, एक मैनेज करना, यही सारी फार्म मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, और ये अहम चीज़ें हैं और ये लाजमी मतलब कि होती हैं और ये होनी चाहिए, इन पे आपका फोकस लाजमी होना चाहिए, यही आपने मेन मैनेजमेंट होती है आपकी। आई होप कि आपको हमारी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।